पे हमें छोटा सा बच्चा जीरो कट मार के दिखाएगा। चला आ जा, बचना पड़ेगा इनसे वरना 18 टांके लग जाएंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं टनल के पास क्योंकि आज हमें वहाँ पर काम है। तो आज मेरे साथ मुनज़िल भी है और आमिर भाई भी है। आज हम तीन जा रहे हैं, नयीम भाई आगे वाली गाड़ी में। तो अभी हमें यहाँ से कम आधा या डेढ़ घंटा लग जाएगा वहाँ तक। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। चलिए गाइज़, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये जगह कितनी प्यारी है। ये देखो, ये सामने भी पहाड़ है और इस साइड भी पहाड़, इस साइड भी पहाड़ और बीच में नदी बह रही है। तो अभी हमें आधा घंटा काम है थोड़ा सा, वो काम ख़त्म करने के बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ। और हमें जाना था टनल के पार और वो माल आया नहीं था अभी तक। उस बंदे ने फ़ोन किया, अभी आया नहीं हूँ मैं, मुझे आज दिन भी लगेगा। तो वो कल आने वाला है, तो कल मुझे दूसरा चक्कर भी है यहीं पर, मगर मुझे तब टनल के पार जाना है। तब यहाँ पर हमें छोटा सा बच्चा जीरो कट मार के दिखाएगा। चला आ जा, पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हमने गाड़ी पीछे रख दी है, अभी हमें कम से कम आधा किलोमीटर अंदर जाना है, फिर जाके हमें उनके पास पहुँचना है। पहाड़ भी है वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं हमको वहीं पे। आप अभी हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। टनल जो है यहाँ पे है टनल, और अभी हमें यहाँ से निकलना है। अभी हमें यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटे के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। तब तक मैं इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी सी दो तीन शॉट्स लेता हूँ, फिर निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है नदी बह रही है और नदी में जो शॉट्स आते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं, तो इसलिए मैं वो उठाता हूँ। सुकून, बस कहते हैं सुकून है भाई, सुकून। यहाँ पे बैठने में मज़ा है भाई, पानी का शोर और सामने पहाड़ पहाड़ चारों तरफ, इतना सुकून है ना यहाँ पे भाई। तो बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं, चल वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, अपना बचपन भी याद आ जाएगा। हम यहाँ से निकल रहे हैं, अरे इनको देख के बचपन याद आ गया, हम भी बचपन में ऐसे ही नहा रहे थे जब हम छोटे थे। अभी भी मेरा बचपन है, बचा हुआ है बहुत सारा, अभी ख़त्म ही क्या हुआ है। तो अभी थोड़ा सा काम मुझे है क्योंकि वो फ़ोन आया नदी भाई का, थोड़ा सा काम है, वो ख़त्म करने के बाद मैं निकल जाऊंगा घर के लिए क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी फिर घर। तो एक चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गया, उनके कुत्तों से जहाँ भी जाओ उनके कुत्ते भौंकने से कर देते हैं। हाँ यार, हालत ख़राब होने लगी है इनको देख के। देखो आगे भी कुत्ते, पीछे भी कुत्ते, चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते, बचना पड़ेगा इनसे वरना 18 टांके लग जाएंगे। ये देखो कैप्सूल जितना है, मगर देखो शोर कितना है इसमें। ओ भाई, तो मेरा जो दूसरा चक्कर है ना वो इधर ही है, मगर उस टाइम मुझे टनल के पार जाना है इसी साइड। तो वो कल 10-11 बजे तक पहुंच ही जाएगा और फिर हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे टाइम मिला तो जाऊंगा, अगर नहीं तो फिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू 2 दफ़ा गया हूँ, तो बहुत थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो परसों भी था, कल भी था और आज भी हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता 2 दिन में निकल सकता हूँ घर से मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो अभी 5 मिनट मुझे थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करके फिर मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ। हमारा काम सारा ख़त्म हो चुका है यहाँ से और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और जो भी था, अभी गाड़ी नदी भाई पीछे बैठे हैं, उनकी 5-10 मिनट पीछे हैं उनसे, उन्हें कुछ काम था वो रुक गए, वो आ रहे होंगे अभी। तो हम तो निकल गए घर की तरफ, अभी हमें यहाँ से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा घर पर। फाइनली गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं और आज जिम भी नहीं गया मैं क्योंकि टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, और अभी 7:30 बज रहे हैं रात के और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। तो चलिए जी, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।